ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे ग्वालियर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे और लोगों के दरवाजे खटखटाकर उन्हें जगाया और पूछा कि सड़क की समस्या सहित अन्य कोई समस्याएं तो नहीं है। इस तरह ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के कई घरों में सुबह 4 बजे दस्तक दी। लोगों से पूछा, पानी आ रहा है कि नहीं, आपकी रोड सही बन रही है या नहीं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे नंगे पैर ही गेंडे वाली सड़क घास मंडी लक्ष्मण तलैया क्षेत्रों में पहुंचे। यहां पर उन्होंने घरों को खटखटाया और घंटी बजाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से क्षेत्र में बिजली पानी व सड़क की समस्याओं के बारे में पूछा, साथ ही गेंडे वाली सड़क जिसका निर्माण हो रहा है के बारे में राय जानी। सड़क अच्छी बन रही है या नहीं, कहीं ठेकेदार या संबंधित विभाग के अफसर गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रद्युमन सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की, साथ ही क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जाना। गेंडे वाली सड़क के निर्माण का निरीक्षण करते हुए ऊर्जा मंत्री JH अस्पताल भी पहुंच गए। उन्होंने यहां पर बन रही सड़क का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से सड़क के निर्माण को लेकर उनकी राय जानी। ऊर्जा मंत्री के साथ क्षेत्र के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री बेशक सड़कों का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियां अपनी मर्जी से ही सड़कों का निर्माण कर रही हैं। काम की गति धीमी होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, कभी जाम लगता है तो कभी कुछ होता है। देखने में आया है कि ऊर्जा मंत्री के लगातार निरीक्षण के बाद भी निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों पर असर नहीं हो रहा है। मैं प्रद्युम्न तोमर, मंत्री जी आया नहीं है आपके यहाँ? पानी आने ठीक है? क्या नाम लिखते हो पूरा? बढ़िया हो भैया, और कैसे हो दादा? जैसा पानी आने ठीक मिल रहा है? और कोई दिक्कत जी आपके बीच में खड़े हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। बिजली अब ठीक है? अब मेन रोड भी ठीक बन रहा है? बिल्कुल सर। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।